ये सारी बातें जिनकी गंभीर जांच की आवश्यकता है और जो भी इसके लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की, आपने सर एक्सपोज करने की बात की, तो क्या विपक्ष का धर्म नहीं है इस वक्त उन लोगों को सामने लाया जाए? आम पब्लिक तो भयभीत भी है ऐसे प्रभावशाली लोगों से, थोड़ा विपक्ष भी अगर इस दिशा में ऐसे कर रहा है फिर करेगा, आगे भी करेगा। मेन मुद्दा प्रदेश का अब लैंड ऑर्डर होगा जी, हमारे आंदोलन का मुद्दा भी होगा, चुनाव का मुद्दा भी। इसके अलावा सर सीबीआई से भी हम कैसे उम्मीद करें सर? चार गुमशुदगी के मामले चल रहे हैं सीबीआई में, हाईकोर्ट ने रेफर किए तीन मामले, तो उनका पता नहीं लगा पाई लोकल जो सीबीआई है, तो ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि सीबीआई भी इसमें? हम चाहते हैं दिल्ली से स्पेशल टीम सीबीआई की आए, वो जांच करे और सारे दोषियों को पकड़े और सच्चाई लोगों के सामने आए और उस बच्ची को न्याय मिले जो उसके साथ अन्याय हुआ है, और आगे से ऐसा किसी और के साथ दुष्कर्म ना हो, इसके लिए भी एक सबक सबको मिलना चाहिए। हम आशा करते हैं कि शीघ्र न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी, असली दोषी जो पकड़े जाएंगे, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे सत्ता से बाहर हैं, चाहे जहां भी हैं, और जो जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई। सर ये इलेक्शंस के लेकर के जिस तरह से यहाँ पर दोनों ही प्रत्याशी आए थे, कोविंद जी भी